अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद फाह मिर्ज़ा। टुडे आई हैव कम विद द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ द सैम्पल पेपर ऑफ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी ने इस साल में जो है एक टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, जो जनरल टेस्ट होगा काइंड ऑफ नेट। अभी उसका उन्होंने सैम्पल पेपर भी रिलीज़ किया है, तो मैं स्टेप बाई स्टेप बता देता हूँ कि एक तो वो रिलीज़ हो चुका है और कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो अगर देखा जाए तो उन्होंने टाइम उसके लिए जो है वो वन आवर मुख्तसिस किया है, और इसके अलावा जो क्या नाम है टोटल मार्क्स 40 हैं, यानी कि हर पोर्शन में से 10-10 क्वेश्चंस होंगे। अब उनमें पोर्शन कौन से आने वाले हैं, फर्स्ट पोर्शन जो है पोर्शन पहले मैं बता देता हूँ, इंग्लिश आने वाला है, इसके बाद जनरल साइंसेज आने वाला है, मैथमेटिक्स आने वाला है, और इसके अलावा जो है आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है जी, तो आपने ये चारों पोर्शन जो है वो रेडी करने हैं। जो जिन्होंने ऑलरेडी नेट वगैरह दिया हुआ है उनके लिए शायद ये पेपर ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है जी, तो इंग्लिश में एक जो है आपने फिलिंग दी ब्लैंक्स करने हैं, मतलब जो है आपके अप्रोप्रिएट वर्ड्स आपने लगाने हैं। ठीक है जी, इसके अलावा जो 6 नंबर पे क्वेश्चन है ये मोस्ट प्रॉब्ली जो है होगा कि एक पैराग्राफ दिया होगा और उसमें से आपने जो है वो आंसर्स ढूंढने होंगे। ठीक है जी, इसके अलावा जनरल साइंसेज हैं, जनरल साइंसेज में ओवरऑल मैंने देखा है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह सबसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो है वो ये सारे जो है वो मतलब इसमें मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने हर स्टूडेंट को अकोमोडेट करने की कोशिश की है, चाहे वो बायो से है या केमिस्ट्री या प्री इंजीनियरिंग से है या प्री मेडिकल से है। ठीक है जी, इसके बाद जो है मैथमेटिक्स के उन्होंने अभी 10 क्वेश्चन दिए हैं। मैथमेटिक्स भी बड़ा बेसिक सा मैथमेटिक्स है, मतलब ये FSC लेवल का मैथमेटिक्स नहीं, ये मोस्ट प्रॉब्ली मैट्रिक और उससे लोअर का है। मतलब जैसे ये इन्फॉर्मेशन पूछी हुई है, हु इज़ फादर ऑफ मैथमेटिक्स, वैल्यू ऑफ पाई ये बड़ी देर 3.14, वैली ऑफ कॉस 360, तो ये वो हैं जो मैट्रिक का बेसिक मैथ है जो सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, फिर वही बात है कि अकोमोडेट उन्होंने दोनों बायो के और जो है वो प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के दोनों स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने की कोशिश की है। इसके अलावा जो है ये करंट अफेयर्स का है, करंट अफेयर्स भी सिंपली जो है मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन है जो ओवरऑल उन्होंने बताने की कोशिश की है, जैसे कि PCB का चेयरमैन कौन सा है, मतलब जो करंट इन्फॉर्मेशन है वही पूछी गई है। सो आप भी कोशिश कीजिएगा कि इस साल में पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है इसके रिगार्डिंग आप ज़रा पढ़ के जाइएगा। ठीक है जी, तो इस सैम्पल पेपर को इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में मतलब बाद बल्कि आज में ही सॉल्व भी करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे सैम्पल पेपर की सॉल्विंग का वेट करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वामिर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।